कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है मैं कामरान अकमल आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जापान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एम जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है बहुत ज़्यादा इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कमरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं शुरू करते हैं आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है जापान से रिलेटेड वो ये है टोटल नंबर ऑफ आईलैंड इन जापान टोटल नंबर जो आईलैंड है जापान में वो कितना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अड़सठ क्वेश्चन नंबर टू द टोक्यो सिटी इज़ लोकेटेड ऑन विच आइलैंड टोक्यो सिटी जो है वो किस आइलैंड पे वाक़ है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हन्सू हंशू क्वेश्चन नंबर थ्री वेन डिड द आइसोलेशन ऑफ जापान एंड जापान का जो आइसोलेशन था उसका खात्मा कब हुआ एंड कब हुआ तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो करेक्ट आंसर है वो है अट्ठारह क्वेश्चन नंबर फोर विच एम्पेयर मोव द कैपिटल ऑफ जापान फ्रॉम कोयोटो टू टोक्यो किस एम्पायर ने जापान शहर के जो कैपिटल है उसको कोयोटो से टोक्यो किया तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एम्पेर मेजी क्वेश्चन नंबर फाइव विच न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉ सीवरली डैमेज बाई टू थाउजेंड एलेवन अर्थ क्विक तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो करेक्ट आंसर है वह है बात करते हैं तो ऑप्शन डी फकुशीमा न्यूक्लियर पावर प्लांट क्वेश्चन नंबर सिक्स द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कौंसिलर आर इलेक्टेड फॉर कितने दिनों के लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी सिक्स ईयर के लिए क्वेश्चन नंबर सेवेन। टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन द हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव इज़ हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी चार सौ पचहत्तर क्वेश्चन नंबर एट Which वन was द फर्स्ट कंट्री वीअर जापान सेंड इट्स मिलिट्री सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II? तो क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए इराक़ क्वेश्चन नंबर नाइन हु आज़ द फर्स्ट जैपनीज मैन टू ट्रेवल टू स्पेस सबसे पहले मतलब जापान का वह कौन सा इंसान है जो उसने स्पेस पे, में ट्रेवल किया तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी यानी कि तोह अकियामा क्वेश्चन नंबर टेन हु आज़ द फर्स्ट जेपनीज मैन टू वॉक इन स्पेस सबसे पहला जेपनीज़ मैन जिसने स्पेस में वॉक किया तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए वह है तकाउ दोई क्वेश्चन नंबर अलेवन वन बुलेट ट्रेन वॉज़ फर्स्ट स्टार्टेड इन जापान तो क्वेश्चन नंबर अलेवन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी उन्नीस सौ चौंसठ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन विच ईयर टोक्यो विल होस्ट द ओलंपिक फॉर सेकेंड टाइम तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2020 में जो अभी रिसेंटली हुआ था और ये 2021 में हुआ रिश्ड्यूल किया गया था कोविड के, के केसेस बढ़ने की वजह से क्वेश्चन नंबर थर्टीन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर किस साल टोक्यो यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अट्ठारह में क्वेश्चन नंबर 14. विच वन इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन जापान जापान का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सा है तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वह है क्यू यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच वन इज़ द हाइस्ट माउंटेन इन जापान हाइस्ट माउंटेन जो जापान का है वो कौन सा है तो अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी माउंट फूजी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच वन इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ जापान जापान का नेशनल एनिमल क्या है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए कोई क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज़ द फाउंडर एंड द फर्स्ट शोगुन ऑफ द कामाकुरा शोगुनेट ऑफ जापान तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है नो यूरिथोमो no क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ तुकुगावा शोगुनेट गवर्नमेंट तो क्वेश्चन नंबर एट्टीन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए एदो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जापान वॉज ऑक्युपाइड बाई अलाइड पावर टिल तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी उन्नीस सौ बावन तक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द कंस्टिट्यूशन ऑफ जापान वॉज़ इनेक्टेड ऑन डैश मई 1947, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाईस का बीस का वो अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर तो वह है थर्ड मई 1947। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हु हैज साइं द सिक्योटी ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स इन जापान विद द यू एस प्रेसिडेंट डिविड दे इश्यू होवर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी नुके किशी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज़ लोकेटेड ऑन विच ओशन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जापान जापान का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वह कौन सा है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए शिनानो रिवर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच वन इज़ द लार्जेस्ट लेक इन जापान जापान का लार्जेस्ट लेक जो है वो कौन सा है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी लेक बिवा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इन विच ईयर फर्स्ट एम्बेसी अंडर द कमांड ऑफ वन नो लोमको सेंड टू चाइना तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए छः सौ सात क्वेश्चन नंबर ट्वेंट ट्वेंटी सिक्स हु हैड रिटेन द कोजी को द ओल्डेस्ट एक्सटेंड क्रोनिकल इन जापान तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वह है ओ नो यूशु मारो यासु मारो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन इन जापान वॉज हैपन इन द ईयर सबसे पहले मरतबा मंगोल इन्वेजन जापान में कब हुआ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी बारह सौ चौहत्तर में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द फर्स्ट समर ओलंपिक इन टोक्यो वाज हेल्ड इन तो इसका सबसे पहली मरतबा टोक्यो में ओलंपिक समर ओलंपिक कब हुआ तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी उन्नीस सौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान विंस द नोबल पीस प्राइज इन नाइनटीन सेवेंटी फोर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी इसाकू सातो क्वेश्चन नंबर थर्टी द टोक्यो इस्टॉक एक्सचेंज वॉज इस्टेबलिश इन द एयर तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी कि अट्ठारह सौ अठहत्तर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन नेशनल फाउंडेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी एलेवेंथ फेबर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन विच ईयर जापान अटैक्ड मंचूरिया जापान ने मंचूरिया के ऊपर क्या अटैक किया तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 1931 में क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इन विच ईयर द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड तो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का जो करेक्ट आंसर है वह है अठारह सौ नब्बे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच वन सिटी इज़ नोन एज द मानचेस्टर ऑफ जापान मानचेस्टर ऑफ जापान किस शहर को बोला जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी ओसाका क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ओसाका हैज़ बिन फेमस फॉर ओसाका क्यों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ड्यू टू कॉटन टेक्सटाइल क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच इज़ जापानस नेशनल ड्रेस तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है किमोनो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वाट इज़ लाइक बाना तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट उसको इके के बाना के नाम से जाना जाता है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टी एट जो है वो ये है वेन दीद हिरो हितो रूल जापान हिरो हितो रूल जो है जापान में कब से कब तक हुआ तो इसका जो करेक्ट आंसर है 38 का वह है ऑप्शन बी 1926 से लेकर उन्नीस तक क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच कंट्री वॉज डिफिटेड बाई जापान इन नाइन जीरो फोर नाइन जीरो फाइव तो इसका जो करेक्ट आंसर है जिसको हम रुसो जैपनीज वॉर के नाम से भी जानते हैं तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच इज़ द कैपिटल ऑफ जापान तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी टोक्यो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच जेपनीज़ फिल्म वॉज रिमेड एज द मैग्निफिकेंट सेवन तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी सेवन समुराई क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान ऑन 26 अप्रैल टू थाउजेंड वन तो फोर्टी टू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अगर हम बात करते हैं शिंजो अबे जो अभी रिसेंटली उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और रिज़ाइन देने के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ये है जूनिक्यो कीज़ोमी बेसिकली शिजो अबे नहीं है वो है जूनियर क्योजोमी उसके बाद से जो बने वो शिजो अबे अबे बने और अभी जो है जो शहीदी शुज़ा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री हाउ इज़ जेपनीज़ एम्पेयर थ्रोन नोन के जेपनीज़ एम्पैर जो होते हैं उनके थ्रोन को किस तरीके से जाना जाता है तो अगर हम फोर्टी थ्री का बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह है कराइस्थिम थ्रोन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विच इज़ नेशनल फ़ाउंडेशन डे नेशनल फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एलेवंथ फरवरी। क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच इज़ जापांस नेशनल लेजिस्लेचर जापान के नेशनल लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए डाइट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वट इज़ द हिना मत्सूरी हिना मत्सूरी क्या है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अ डोल फेस्टिवल इन जापान क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वट इज़ अ कुतातु कुतात्सु कुतात्सु जापान में किस चीज़ को बोला जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अ लो टेबल विथ अ हीटर बिलो इट यूज्ड बाय जपनीज़ इन विंटर उसको कोतात्सु बोला जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट वाट इज़ बोनसाई? बोनसाई क्या है तो अगर हम बात करते हैं बोनसाई के बारे में तो आर्ट ऑफ डवार्फिंग ट्रीज छोटे छोटे पौधे जो लगाते हैं उसको हम बोनसाई बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन वाट इज ओरिगामी? ओरिगामी क्या होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच फ्लावर रिप्रेजेंट्स द इम्पेरियल फैमिली ऑफ जापान एम्पेरियल फैमिली ऑफ जापान को कौन सा फ्लावर रिप्रेजेंट करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच कंट्रीज़ एजुकेशन सिस्टम इंस्पायर्ड बाय द मेजर रिफॉर्मर्स वाइल्ड डेवलपिंग अ न्यू एजुकेशन सिस्टम फॉर जापान तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी फ्रांस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री वाट इज़ द जेपनीज नेम मीनिंग सन डिस्क फॉर जापान्स फ्लैग तो फिफ्टी टू का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी वह है हिनो मारू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री वाट इज जापानस नेशनल लैंग्वेज जापान का नेशनल लैंग्वेज कौन सा है तो फिफ्टी थ्री का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी जैपनीज़ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर वट इज़ द ट्रेडिशनल क्लोथिंग ऑफ जापान कॉल्ड जापान का जो ट्रेडिशनल क्लोथ है उसको हम किस नाम से जानते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है किमोनो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव वाट इज़ द कस्टम प्रैक्टिस इन जापान प्रैक्टिस इन जापान वो कस्टम क्या होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रिमूविंग द फुटवेयर बिफोर एंटरिंग द होम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स वॉट इज पॉपुलर फूड इन जापान जापान का सबसे पॉपुलर फूड क्या है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राइस एंड फीस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन वॉट इज द टाइटल यूज बिफोर द बिफोर अ मैंस नेम इन जापान तो बेसिकली अगर हम 57 के जो बात करते हैं तो वह है सान शान वहाँ पे टाइटल के तौर पे यूज़ किया जाता है मैन के नाम से पहले व्हाट इज़ नॉट अ जेपनीज़ मार्शल आर्ट इन में से कौन सा जो है वो जेपनीज़ मार्शल आर्ट नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ताई कव दो टाइकोंडो जो है ये वहाँ का मार्शल आर्ट नहीं है ये कोरिया का है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन वट डज़ अ फेमस स्टाइल ऑफ जेपनीज़ आर्ट कॉल्ड ओकी इन्वॉल्व तो फिफ्टी नाइन का जो करेक्ट आंसर है वह है वुड ब्लॉक प्रिंट्स को बोला जाता है ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान जापान का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हनशू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन हाउ मेनी एक्टिव वल्कैनोज़ आर देयर इन जापान जापान में टोटल कितने एक्टिव वल्कनोज़ है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी एक सौ दस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ क्लेम्स द ऑनरशिप ऑफ द सेनाकाकू आइलैंड तो सेनाकाकू आइलैंड पर किस कंट्री जो है अपने ऑनरशिप को क्लेम करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है जापान एंड चाइना क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री कैपिटल इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ़ द फॉलोइंग आइलैंड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अगर हम बात करते हैं तो हन्शू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर वेन डिड सेकेंड सीनो जापान वॉर चाइना और जापान के साथ जो लड़ाई हुई थी वो कब स्टार्ट हुआ तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन सी उन्नीस सौ सैंतीस में क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वॉट इज़ द नेम ऑफ जापान न्यू एम्पेरियल एरा विच स्टार्टेड लास्ट ईयर मई टू थाउजेंड नाइनटीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं रिवा एरा की शुरुआत हो गई है जापान में तो ये है इम्पोर्टेंट एम सी क्यू जो जापान से रिलेटेड है इसी तरह के मजीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं वंस अगेन थैंक यू सो मच